द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन जो होगा इसमें कंप्लीट हम लोग 40 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी का वीडियो देखा, अब सेकेंड में 40 प्रश्नों का ये समान अध्ययन का सेट लेके आए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं इस 40 क्वेश्चन में से। चलिए तो पहले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक के बारे में आपको बताना है कि त्रिपिटक ये धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का, और पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा 31 नंबर से चालू हो रहा है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और फटाफट आप लोग आंसर बताते चलिएगा, हम उसी ऑप्शन का जिक्र करेंगे जो आपका सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए दूसरे क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। तो मनसबदारी प्रथा ये किसने शुरू की थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा, अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। चलिए अपने शासनकाल में अकबर ने ये शुरू किया था, जो कि इसका व्यापार मध्य एशिया की तरफ होता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है महाराज रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। तो आपको बताना है कि रणजीत सिंह जो थे उनकी राजधानी कौन थी। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पटना है, इलाहाबाद है, लाहौर है और फतेहपुर सीकरी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब होगा, रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, लाहौर थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन शुरू की थी। तो गांधी जी का ये कौन सा वर्ष था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। इसका जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का डिजाइन .. ने तैयार किया था। तो आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की डिजाइन किसने तैयार की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर एडविन, बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं भारत के संविधान में न्यायिक पुनरालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का .. संविधान में, मतलब ये आपका कहाँ से लिया गया है, न्यायिक पुनरालोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये किस देश से ली गई है। तो 46 का जो सही आंसर होगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पहला आपका ब्रिटिश है, दूसरा आपका आयरलैंड है, तीसरा कनाडा है और चौथा आपका क्या है, अमेरिका है। तो मेरे साथी जो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका राइट आंसर होगा डी, अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में बताता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन इसके माध्यम से लगता है, कौन सा अनुच्छेद है, तो 356। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक .. अधिकार है। तो ये आपको बताना है कि राजनीतिक है, सामाजिक है या विधिक है या मूलभूत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही जवाब होगा, 46वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ये अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है, मूलभूत इसका
राइट आंसर होगा। तो शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। तो आप जानते हैं कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भार जब ये दोनों पद खाली हो जाते हैं तो उस दौरान भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वही इनका कार्यभार देखता है, और ये अनुच्छेद किसके अकॉर्डिंग, तो अनुच्छेद 65 के अनुसार होता है। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए कह रहे हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको बताना है कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये एक आपका निम्न सदन होता है, इसी को कहते हैं, और ये 5 वर्षों के लिए होता है, जबकि राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है, उसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता, वो 6 वर्षों के लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे गर्म ग्रह के बारे में बताना है कि सबसे गर्म, ठीक ना, गर्म कौन सा ग्रह होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, बिल्कुल सही जवाब होगा। शुक्र बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे गर्म जो ग्रह होता है आपका क्या होता है, शुक्र होता है, और इसी को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, 7 सिस्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 52 का डी, बिल्कुल सही आंसर होगा। बांग्लादेश के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबा सीमा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं बैंक दर क्या है। तो बैंक दर के बारे में आपको बताना है कि बैंक दर क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंक दर क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है राज्यों में से किस में सबसे कम साक्षरता दर है। तो किस राज्य में सबसे कम, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको बताना है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो मेरे भाई आपको पता है इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिहार, बिल्कुल सही आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, केरल। यहाँ पे कम का जिक्र किया गया है तो बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डॉट डॉट उदाहरण होगा। तो आपको 4 ऑप्शन पर सरल रेखीय गति होगा, या फिर आपका प्रक्षेपण गति होगा, या क्षैतिज गति होगा, ये आपको बताना है, या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण गति होगा। तो ये आप कौन सा आंसर आपका होगा, अगर एक गोला आप दागते हैं तो इसकी जो गति होगी वो आपकी क्या होगी, प्रक्षेपण गति हम लोग कहते हैं। एक गोले को अगर आप दागते हैं तोप के माध्यम से तो इसकी गति जो होगी वो प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें आपका पानी का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो बच्चे को पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, H2O जो होता है वो पानी का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी होती है। तो बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है कि कमरे के ताप पर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा जिंक, डी नंबर, बिल्कुल सही आंसर, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा पारा होगा मेरे भाई ना, ये क्या होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। पारा जो आपका होता है वो क्या होता है, कमरे के टेम्परेचर पर भी ये ना तरल अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं DNA का पूरा नाम आपको बताना है। तो DNA का पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा डी आपका सही आंसर होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका सही आंसर होगा। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। DNA का जो फुल फॉर्म होगा आपका क्या हो जाएगा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
मानव मूत्र का पीला रंग डॉट डॉट की वजह से होता है, तो ये आपको बताना है कि मानव मूत्र जो पीला होता है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही जवाब होगा, यूरोक्रोम इसका राइट आंसर होगा, इसी की वजह से उसमें पीलापन आता है। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है, वर्ल्ड वाइड वेब का डॉट डॉट आविष्कारक कौन है, तो WWW का आविष्कार किसने किया था, तो टिम वर्नर्सली इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो वी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे हैं कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो मेरे भाई वो आपका कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इनमें से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कान्हा जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आपको बताना है कि प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है, तो ये आप जानते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 21 जून को राष्ट्रीय, ठीक ना, राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो गंगा सागर मेला ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फील्ड मार्शल कौन था भारत का प्रथम, डी बिल्कुल सही जवाब होगा ना, भारत के जो प्रथम मार्शल थे, डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं दहेज अपराध धारा 304B भारतीय दंड संहिता, यहाँ से आपको बताना है कि विवेचना किसके द्वारा की जाती है, तो 304 में दहेज अपराध है ये किसके, ठीक ना, 304 के तहत किया जाता है, तो जो 65 का राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा ये किया जाता है, तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें से आपको बताना है मेरे भाई कि कौन सा आपका निष्कर्ष जो है वो सही है। तो यहाँ से देखिएगा, इसमें से पहला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पहला निष्कर्ष कुछ इस तरीके से कह रहे हैं, ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है, मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है, तो ए ने अपराध किया, ऐसी कोई बात नहीं है, जब दोनों लोगों, ठीक ना, स्वेच्छा से कर रहे हैं तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए ने कोई अपराध नहीं किया। दूसरे में कह रहे हैं कि पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी, उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझ कर कि उसके हाथ में क्या है, ना उसके हाथों में क्या हो रहा है, पी ने क्यों की हत्या कर दी, तो पी ने क्या कोई अपराध नहीं किया, तो पी ने अपराध किया, हत्या के दौरान उसने क्या किया, अपराध किया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि अपराध नहीं किया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत होंगे। अब ऐसे क्यों मार देवा ओकरे बाद में कह देवा नसम है तो बच जाओगे, हो ही नहीं सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे हैं स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, तो दो दिया गया है कथन, एक पी है, दूसरा क्या है आपका क्यू है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका क्या है सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। चलिए कह रहे हैं ऐसी
कह रहे हैं ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप से महिलाओं का अपशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है। बिल्कुल सही जवाब है, पी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यू के बारे में देख लेते हैं, कह रहे हैं उपरोक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैरकानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन, विज्ञापन, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है, उसका प्रयोग परिमाणता रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। तो ये सही कह रहे हैं कि अगर वो आपका प्रकाशन, विज्ञापन या साहित्य के या कला के रूप में किया गया है तो ठीक ना, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपका दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, पी और क्यू दोनों सही। अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहे हैं कि यातायात एक चिन्ह दिया गया है, ये बताना है कि ये कौन सा चिन्ह है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आगे चौराहा है। अगर आपको त्रिभुज के अंदर प्लस दिखता है इसका मतलब आगे क्या है, चौराहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां को डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो ये आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, मंत्रिमंडल का अनुमोदन, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा निकाय सूचना का अधिकार आरटीआई के दायरे में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से आपको बताना है कि कौन आरटीआई के दायरे में आता है। तो कह रहे हैं आरटीआई के दायरे में कौन कौन सा आता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों आपका आरटीआई के दायरे में आता है, सी आपका आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने दिया गया है दो, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का दोनों आपका क्या है, कथन सही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आप लोग इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 72 में आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका नाम आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही, सरदार स्वर्ण सिंह समिति को सौंपी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की आवंटन का भारत संविधान की डॉट डॉट अनुसूची ठीक ना उल्लेख किया गया है। तो इसका किस में राज्य के सीटों के आवंटन का जिक्र किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपको पता है कि राज्य के सीटों का जो आवंटन है वो 4 अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत के कितने राज्य में विधानसभा परिषद है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि भारत के कितने राज्य में विधानसभा परिषद है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 राज्यों में विधानसभा परिषद है। अब यहाँ से देखिएगा जम्मू कश्मीर हट गया है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं वो आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके कितने राज्यों में, 6। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं प्रोहेतुल्ला एंटिका एक नई प्रजाति है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये किसकी प्रजाति है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मेढक है, छिपकली है, सांप है, चिड़िया है। तो आपको बताना है कि प्रोहेतुल्ला
ये किसकी ना एंटिक एक आपका क्या है प्रजाति है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब होगा, सांप का एक ये क्या है परिजात है, जो कि जुलाई 2019 में आविष्कारक इस प्रजाति की खोज की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं खेतों में कीटनाशक की छिड़काव के लिए एग्रीकॉप्टर ना, कह रहे हैं कि एग्रीकॉप्टर नामक ड्रोन विकसित किया गया है, तो ये कौन सी कंपनी है जो ये ना खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए की गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आरटीआई मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा योम बालाकोट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडो पाक रिलेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा आपका सी बिल्कुल यूवी सिंह द्वारा ना, इंडो पाक रिलेशन ये किसके द्वारा है, यूवी सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय और संगठन का 76वां ना सदस्य कौन देश बना है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का आपको बताना है कि कौन सा देश है, ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर होगा, इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा डी पलाऊ, ये आपका क्या हो जाएगा नया देश शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहे हैं 16 जुलाई 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के सैन्य अधिकारियों का अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो ये आपको बताना है कि अमेरिका ने ठीक ना किस देश के अधिकारी को ठीक ना प्रतिबंधित कर दिया है, तो जो इसका 80 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार बिल्कुल सही आंसर होगा, म्यांमार के प्राधिकारियों का बैन लगा दिया है। तो मेरे भाई इस तरीके से हम लोगों ने ना 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।